हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, ये बिहार अमीन का प्रैक्टिस सेट 16 है। 15 सेट ऑलरेडी बना चुका हूं, 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको जो है अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं कि रात में टेस्ट लाने के लिए, तो आप लोग बताइए कमेंट करके रात में कितने बजे लाना है। तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कितने बजे रात में टेस्ट करना है। ये 10 बजे मॉर्निंग से टाइम शिफ्ट करके रात में कितने बजे कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा समुद्रीय तट है। भारत के किस राज्य के पास जो है सबसे लंबा जो है समुद्रीय तट है, तो इसका आंसर बताइए। एक आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो राज्य है गुजरात। ठीक है, वो राज्य जो है गुजरात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए, साथ में आप लोग टेस्ट दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति जो है किसके बाद प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश को जो है भारत में राजनीतिक शक्ति जो है किसके बाद प्राप्त हुई थी, तो दो का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश को जो है भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। ये युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेलियोडिसिस जो है ये क्या है। ठीक है, तीन का आंसर बताइए क्या होगा। तो तीन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है, ये होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, चार का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा और ये 1882 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की थी, 1882। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले जो है प्रथम दो राज्य कौन से हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य बोल रहा है वो कौन है, पांच का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान में हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाले युक्ति को, डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं। यहां पे चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सही आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनित्र बोलते हैं, मतलब जनरेटर। ठीक है, जनरेटर उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास जो है किसने किया था। संगीत की जो है हिंदुस्तानी शैली का विकास जो है किसने किया था, सात का आंसर बताइए क्या होगा। तो सात का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंग अंगों के कार्यों का समन्वयन जो है डैश के लिए अति आवश्यक है, दिए गए कथन को जो है पूरा कीजिए, क्या होगा यहाँ पे आंसर, आठ का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम स्थापन होगा। ठीक है, सम स्थापन, हमारे शरीर के अंग अंगों के कार्यों का समन्वय समस्थापन के लिए अति आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प मिथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर वाहन। मोटर वाहन जो है इससे मिथेन गैस उत्सर्जन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो क्या होगा इसका आंसर, दस का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। पशुपति मतलब शिव भगवान की।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। कोशिका का बिजली घर जो है किसको बोलते हैं? 11 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है किस सुल्तान ने जो शुरू की थी? सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है किस सुल्तान ने शुरू की थी? 12 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश उसको ने जो है शुरू की थी। इल्तुतमिश ने जो है शुरू किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें जो है साफ साफ देख सकती है, क्या होगा इसका आंसर? 13 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तुओं को जो है साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक पहचानिए। शुद्ध वाक जो है इसमें पहचानिए। 14 का आंसर बताइए क्या होगा, हिंदी का क्वेश्चन है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई है और 5 बहने हैं। मेरा एक भाई और 5 बहने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने जो है दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए जो है प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो क्या होगा, 15 का आंसर बताइए। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फर्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा जो है विनियमित किया जाता है? तो 16 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खनिज की दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है कौन सा है? भारत में खनिज की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? 17 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से जो है हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से जो है हटाया गया था? 18 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1879। 1879। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो है कौन सी पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी पुस्तक जो है नहीं लिखी गई है? क्या होगा, 19 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरसागर जो है रविंद्रनाथ के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। सुरसागर जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे चित्रांगदा, चंडालिका, गीतांजलि यह सब रविंद्रनाथ के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है? तो 20 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है चुनाव का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो है चुनाव का उल्लेख किया गया है? 21 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सी सबसे मजबूत मटेरियल है? सबसे मजबूत इसमें कौन सा मटेरियल है? बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफीन। ग्राफीन जो है सबसे मजबूत मटेरियल है जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से। अगला क्वेश्चन है,
बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो 24 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थितिक बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद बोला करने के लिए सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 का आंसर बताइए क्या होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो 26 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर जो है हाल ही में किस जंतु का नामांकन किया गया है? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 27 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झिंगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, झिंगुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में जो है कौन सा समास है? हिंदी का क्वेश्चन है, 28 का बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। ठीक है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में जो है सर्वप्रथम विधेय का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से जो है किस वेद में जो है सर्वप्रथम विधेय का उल्लेख मिलता है? तो 29 का आंसर बताइए, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय सेंड आर्टिस्ट को जो है अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में जो है पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या होगा? 30 का आंसर बताइए, तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने जो है हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो क्या होगा, 31 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर, मनु भाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से जो है संयुक्त वाक्य का चयन करने बोल रहा है? हिंदी का क्वेश्चन है, 32 का आंसर बताइए, तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए जो है उसके उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो 33 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना। इसमें जो है प्रत्येक परिवार को जो है बालिकाओं के जन्म पे जो है इनको 15,000 रुपया देने का प्रावधान है, 15,000 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, जिसमें लड़की जो है जन्म लेगी तो वहां पे 15,000 उन परिवार को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति जो है सेवेस्टिपन पिनियेरा ने जो है पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है? क्या होगा, 34 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चिली। ठीक है, चिली इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? 35 का आंसर बताइए क्या होगा?
तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया होगा में जो है खाया कौन सी क्रिया है? 36 का आंसर बताइए क्या होगा? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या है? तो 37 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। योग्यता न रहने पर भी जो है काम करने की सेखी भरना, योग्यता न रहने पर भी जो है काम करने की सेखी भरना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है किससे बनते हैं? तो 38 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की जो है मिश्र धातुओं से जो है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? 39 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः जो है किस तत्व के अस्थायी आइसोटॉप्स में बदल जाता है? यूरेनियम जो है अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटॉप्स में जो है बदल जाता है? तो 40 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोजोम की संरचना में भाग लेते हैं, क्रोमोजोम की संरचना में भाग लेते हैं क्या होगा? 41 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए व प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन जो है भाग लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति जो है किस रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध मतलब हो गया कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड व्यक्ति जो है वो जो है किस रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो 42 का आंसर बताइए क्या होगा? 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा, लाल एवं हरा में जो है वो फर्क नहीं कर सकता है, लाल और हरा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसको जो है किस वर्ग का व्यक्ति जो है ब्लड दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है कौन कौन ग्रुप वाले व्यक्ति जो है ब्लड दे सकते हैं? ये क्वेश्चन है। 43 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए एवं ओ, ए वाला दे सकता है इसको और ओ वाला भी दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो भी दे सकता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के जो है लाल रोधी कणाओं में जो है एंटीजीन ए एवं बी है तो इसके सीरम में क्या होगा? किसी व्यक्ति के जो है रेड ब्लड सेल में जो है एंटीजेन जो है ए एवं बी है तो इसके सीरम में क्या होगा? 44 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में क्रोमोजोम की वास्तविक स्थिति क्या होती है? मानव में क्रोमोजोम की वास्तविक स्थिति क्या होती है? 45 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? हरे फल को पकाने के लिए जो है कौन सा गैस यूज किया जाता है? 46 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन गैस, एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे
प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर जो है अक्रिय गैस कौन सा है? 47 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। ऑर्गन गैस सबसे प्रचुर है वायुमंडल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है क्या होता है, तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 49 का क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में क्या होता है? दिया सलाई के नोक में जो है क्या होता है? 49 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस रहता है। लाल फास्फोरस जो है वो लगा हुआ रहता है दिया सलाई के नोक पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 50 का क्वेश्चन है, हीट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए जो है वो किसका यूज करते हैं? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल का। थर्मोकपल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बाकी बचाता है यदि उसकी आय 25% से बढ़ती है तथा खर्च जो है 20% से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? ठीक है, तो यहां पे देखिए हम मान लेते हैं इसका 100 रुपया आमदनी है, 100 रुपया आमदनी है, आय है, तो यहाँ पे 65 रुपया ये खर्च कर दिया, 35 रुपया का इसको बचत हुआ पहले कंडीशन में। दूसरा बोल रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो आय 25% करने मतलब 125 रुपया हो जाता है, खर्च भी इसका क्या होता है 20% बढ़ जाता है। खर्च पहले कितना था, 65 था, उसका 20%, 65 गुना 120/100, कहने का मतलब 78 रुपया जो है इसका आपका खर्च है। तो अब जो है इसका 78 रुपया खर्च है, इसका मतलब इसको बचत कितना है, 125 माइनस 78, कहने का मतलब 47 रुपया इसको अब बचत है। तो कितना प्रतिशत जो है इसका परिवर्तन हुआ है बचत में, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 35, कहने का मतलब 12, ठीक है, 12 बचत है, पहले 35 था अब इसको 47 हो रहा है, मतलब 12 रुपया का इसको बेनिफिट है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 100/35, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 34.28%, 34.28। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 34.28% की वृद्धि होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, 1050 को जो है एम एन तथा पी में क्रमशः जो है 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है, एम तथा एन के हिस्से में क्या अंतर होगा? तो देख लीजिए एम का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे एम का हिस्सा होगा 3 है एम का हिस्सा, तो 3/5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 गुना जो होगा 1050 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/7, 3 10, 5 15 गुना जो होगा 1050, तो ये कट जाएगा, 15 7 105 मतलब 70, 7 3 21 मतलब 210। एम का हिस्सा कितना हो गया, 210, एन का कितना होगा, एन का रेशियो कितना है, 5 है, ये हो जाएगा 5/5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, और गुना जो हो जाएगा 1050, ये कट गया आपको 70 से 7 5 35, 350। एम और एन का अंतर बोल रहा है, एम माइनस एन बराबर कितना हो जाएगा, 350 माइनस 210 मतलब 140, 140 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या व उसके अंकों के विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, तो उसके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए संख्या होगा, मान लेते हैं 10x प्लस वाई,
अंक हो गया एक्स और वाई अंक हो गया, ठीक है। संख्या यदि बनाएंगे तो इस तरह से संख्या बनेगा। क्वेश्चन से हमको क्या बोल रहा है, संख्या और उसके विनिमय का अंतर जो है वो 63 है। तो बोला जा रहा है विनिमय मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा होता है। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस बोल रहा है 10y प्लस एक्स, ये आपको बोला जा रहा है। कितने के बराबर है, ये 63 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर जो हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 63, ये 63 है। तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 7 63, 9 कॉमन लेंगे 9 से भागा देंगे तो 7 में कट जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। यही पूछ रहा है, उनके अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन में जो ए बी बराबर एलएम है, एसी बराबर एलएन है और कोण बी बराबर कोण एम है, तो तब जो है क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि कोण बी एक समकोण है, यदि कोण बी जो है एक समकोण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी के दाम में जो है 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए जो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बटे ए प्लस 100 गुना जो हो जाएगा 100, यहाँ ए क्या है परसेंटेज जो बढ़ोतरी है वो होगा, जो 60 बटे जो हो जाएगा 160 गुना जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 15 चौके 60, 4 चौके 16, 2 5, 15 5 75 2, मतलब 37.1/2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 37.1/2। देखिए अगला क्वेश्चन है, समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल जो है 720 मीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई जो है 35 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बोल रहा है क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग गुना जो होता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ एक भुजा दे दिया है, बीच की दूरी भी दे दिया है, उसका आपको क्षेत्रफल भी दे दिया है, तो हमको एक भुजा निकालना है। तो उसको एक भुजा हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 720 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एक भुजा 35 है, दूसरा एक्स मान लिए, गुना हो जाएगा 20 से, ठीक है। इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 72 हो गया। तो 35 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 35, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 37 मीटर आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज की दर से जो है 4620 का जो है 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त चुकानी पड़ेगी। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पी इंटू 100 बटे जो होगा 100 गुना टी प्लस आर टी इंटू जो हो जाएगा टी माइनस वन, ठीक है, टी माइनस वन बाय टू, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये फॉर्मूला आपको लगेगा, पी कितना है यहाँ पे, पी है 4620 गुना 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये 100 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया यहाँ 5, ठीक है, टाइम 5 दिया हुआ है, प्लस जो है यहाँ पे टाइम और दर रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 5, फिर टाइम माइनस एक मतलब 5 माइनस 1 बटे कितना है 2। बस इसको सॉल्व कीजिए, 4620 गुना 100
ये हो गया आपको 500, ये हो गया 25 गुना 4/2, दो दुना 4, 46 20 गुना 100 बटे हो जाएगा यहाँ पे 550, ठीक है। 25 गुना 50 हो गया, 550 हो गया यहाँ पे, बस इसको कट कर लीजिए आप, ये 0 कट गया, 11 5 55, और ये आपको कट जाएगा 11 चौके 44 और 11 दूना 22, ठीक है। और ये आपको 420 हो गया यहाँ पे, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 840 आपका आंसर, 840। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या n को दुगुना करके उनमें y जोड़ा जाता है, इस परिणाम को जो है 2 से भाग करके फिर उसमें जो है वास्तविक संख्या जो है n घटाया जाता है, तो अंतिम संख्या क्या होगा? देखिए n को बोला है दुगुना करने के लिए, तो n कर दिए, उसमें बोल रहा है वाई जोड़ा जाता है तो वाई जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद इस परिणाम को 2 से भाग देने बोला है, 2 से भाग दे दिए हम, फिर बोल रहा है उसमें वास्तविक संख्या एन घटाने के लिए, एन हमको हटा देंगे, तो बोल रहा है अंतिम परिणाम क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। 2n+y-2n/2, तो ये कट गया आपका, क्या होगा? y/2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात 1/4 बी तथा बी बराबर जो 1/c हो तो ए बी सी बराबर किसके होगा? देखिए एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे यहाँ पे, ए सी अनुपात, ठीक है, बी सी अनुपात बी डी, ये आपको बताए थे, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1/4, खाने का मतलब 1/4 भी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर जो हो जाएगा 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद बी बराबर दिया 1/2 सी, मतलब बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 1/b, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया आपका। तो ए सी कितना है? ए सी है आपका 1/1 अनुपात हो जाएगा बी, बी सी कितना है? बी आपका है 4 और सी है 1, उसके बाद बी इंटू डी, बी 4 है आपका गुना डी कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 1/4:8, 1/4:8 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है, रेलगाड़ी की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है टाइम निकालने के लिए। स्पीड देखिए किलोमीटर पर घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 30 गुना 5/18 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो गया स्पीड। और डिस्टेंस कितना हो गया? 800 + 100, 900 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया, तो आपको टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो 900 बटे हो जाएगा 30 गुना 5/18, सॉल्व कर लीजिए, 900 900 गुना 18/30 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे, 30 या 90, 30 हो गया 5 6 18 6 108, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 108 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 15 है, 5 छात्रों के औसत अंक जो है 15.25 थे, जो कि जो है कक्षा छोड़कर चले गए, तथा जो है 4 छात्रों जो है जिनके अंक क्रमशः जो है 13 11, उसके बाद 10.5 और 9.7 थे, नए आ गए हैं, तो कक्षा में छात्रों के वर्तमान औसत बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए टोटल कितना हो जाएगा? टोटल औसत यहाँ पे हो जाएगा 50 गुना 15, मतलब 750, 15 5 75, माइनस जो हो जाएगा यहाँ पे चला गया कितना? 5 चला गया, तो यहाँ 5 गुना जो हो जाएगा 15.25 का औसत था, ये चला गया, और आया कितना? 4 आ गया, 4 जोड़ देंगे इसको, 13 + 11 + 10.5 + 9.75, ये है, ठीक है।
इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए कितना हो जाएगा, 750 माइनस ये हो जाएगा आपको 76.25 प्लस ये हो जाएगा आपको 44.25। बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 718, 718 आया। अब औसत हमको निकालना है, 5 गया और 4 ही आया, तो टोटल कितना था 50, तब 49 हो गया, तो 718/49 इसका औसत हो जाएगा 14.65, 14.65 इसका परसेंट औसत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 14.65 औसत। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य जो है 160 रुपया है और एक ग्राहक उस पर दो क्रमिक छूटे प्राप्त करते हैं, तो 122.40 में खरीदता है, तदनुसार जो है यदि पहली छूट 10% की हो तो उसकी छूट कितनी है। तो देखिए तो यहाँ पे 10% पहली छूट मिला हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160×90/100 हो जाएगा, मतलब 144। ठीक है, 144 हो गया। यहाँ पे दूसरी छूट कितना हो जाएगा, दूसरी छूट कितना हो जाएगा, दूसरी छूट में यदि खरीदा है 122 रुपया में खरीदा है तो इसमें से घटा देंगे तो 144 माइनस हो जाएगा 122.40, तो ये हो जाएगा आपको 21.60, 21.60 इसको फायदा हुआ है। तो दूसरी छूट जो है का प्रतिशत हम लोग निकाल देते हैं, 21.60 गुना जो हो जाएगा 100 बटे कितना पे, 144 पे, तो इसका निकालिएगा तो ये आपको 15% आपका आंसर आएगा, 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्यामा जो है गत्ते का उपयोग करते हुए खिंचाव में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 4 दिनों में जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रारूप जो है मॉडल जो है तैयार करती है, लेकिन यदि वो इसे 3 दिन में समाप्त करना चाहे चाहती है तो उसे प्रतिदिन कितना अधिक घंटा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए 4 दिन 6 घंटा काम करता है यहाँ पे, ठीक है, और उसको कितना 3 दिन और कितना घंटा काम करना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 × 6 एच बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आवर होगा, एच बराबर 8 आवर, यदि 3 दिन में इसको काम करना करने के लिए 8 घंटा देना पड़ेगा, पहले कितना घंटा कर रहा था तो 6 घंटा कर रहा था, अब किसना कितना घंटा बढ़ाना पड़ेगा, तो 8 माइनस 6 मतलब 2 घंटा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है 3:2 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप जो है 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो किसी आयत का जो है परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 3x + 2x बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 80 मीटर, मतलब 5×10x बराबर 80, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया आपको 8। ठीक है, तो चौड़ाई क्या है, लंबाई है आपको 3x, चौड़ाई है 2x, मतलब 2×8 16 इसका आंसर होगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 16 मीटर। ठीक है, मीटर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2+√5, 2-√5 + 2-√5/2+√5 इसका मान बोल है क्या होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर निकाल के बताइए। देखिए इसका लसर लेंगे तो ये हो जाएगा 2-√5 × हो जाएगा 2+√5 और यहाँ पे हो जाएगा 2+√5² प्लस हो जाएगा 2-√5² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 4a² + b² 4 हो जाएगा, b² मतलब 5 हो जाएगा, 2ab मतलब ये हो जाएगा 2×4 प्लस रूट मतलब 4√5 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा +4+5 − 2ab मतलब ये हो जाएगा 4√5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 − 5, ये कट गया, ये कट गया, मतलब 5×4 = 9, 9 मतलब 18, 18 बटा कितना है यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 करने का मतलब -18 आपका आंसर आएगा, -18।
देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य जो है 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत बोलना है निकालने के लिए। मान लेते एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 8 मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। और 8 मोमबत्ती का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो कितना है, 10 रुपया। यहाँ पे 8 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य जो है 10 मोमबत्ती के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब आपका 10 रुपया हो गया। तो लाभ कितना हो गया, लाभ यहाँ पे हो गया आपको 2 रुपया का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ गुना जो है 100 बटे कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 2 चौके 8, ये हो गया 25, मतलब 25% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 25% का लाभ होगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी हो तथा बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 924 वर्ग इकाई हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बेलन की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, यही बोला जा रहा है। बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। तो संपूर्ण बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि ये बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल जो होगा उसके बाद जो यहाँ जो ये पार्ट है इसका भी क्षेत्रफल हम लोग जोड़ेंगे, तो ये आपका वृत्त की तरह रहता है, तो ये होता है π r² 2 सतह होंगे तो 2π r² हम लोग जोड़ देंगे। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2π r h होता है, ठीक है, उसमें हम लोग 2π r² जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 924 दिया हुआ है, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 2π r बराबर हो गया h/2 गुना h, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2π r, r मतलब h/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है दो दो कट गया, यहाँ पे दो एक दो कट जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 924। यहाँ पे आप लोग पाए h² कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 924। इधर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपको π h² ये हो जाएगा, तो 1 3/2, 3/2 बराबर हो जाएगा 924। यहाँ h² बराबर कितना हो जाएगा, 924 गुना 2/3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे पाई भी आ जाएगा, पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोग हम लोग कट कर देते हैं, 11 2 22, 11 8 88, 11 4 44 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कट कर देते हैं, 2 2 2 4 8, 2 2 4 42, 3 1 3 4 12 कट गया। फिर देखिए अब लोग हम लोग गुना कर देते हैं, 14 × 14 196। देखिए 14 × 14 हो गया यहाँ पे, तो मतलब h बराबर कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान क्षमता वाले 9 नल जो है पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए जो है समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना नल चाहिए 15 मिनट में भरने के लिए। मान के चलिए क्योंकि जो है 9 नल जो है 1 मिनट में कितना काम करता है, 1 मिनट में इसका काम किया जाता है 120 कार्य किया, ठीक है, एक 9 नल जो है 1 मिनट में 120 कार्य किया, तो एक नल कितना काम करेगा, एक नल जो है 1/20 × 9 मतलब 180 काम करेगा, 1/180 काम करेगा। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, यदि एक्स टंकी रहता तब वो 15 मिनट में कितना काम करता, एक्स टंकी रहता 180 यदि यहाँ पे है कार्य करने की क्षमता, तो 1/15 मिनट में ये हो जाता, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 180/15, मतलब आपको 12 नल की आवश्यकता होगी 15 मिनट में टंकी को भरने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी जो है बालीगंज से
सियालदह तक जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आ जाती है। तदनुसार जो है उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा का औसत गति बोल रहा है क्या होगा। तो औसत गति का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2ab × a+b कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 × 20 × 30 बट ab कितना हो जाएगा 50, कट गया 5 × 20, 4 × 12 = 24, आंसर होगा 24 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1458 है, मौसो दिया हुआ है 9x, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है। तो मान लेते हैं एक संख्या 9x है, दूसरा 9y है, तो निकालते हैं। देखिए 9x × 9y बराबर दिया हुआ है 1458, x × y बराबर हो जाएगा 1458/81, ये कट करके हो जाएगा आपको 18, ठीक है, ये कट करके 18 होगा। तो 18 का जोड़ा हम लोग बनाएंगे तो कितना जोड़ा बनेगा, देखिए एक बनेगा 18 और एक बनेगा आपको 2 और 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, एक 18 का 18 हो जाएगा, तो ये आपका 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है। टोटल जोड़ा कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं एक वृत्त को छूती है, उनमें यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो DA कितनी होगी। देखिए इस तरह से एक चतुर्भुज है बोला जा रहा है और जो बोल रहा है उसका भुजा जो है वृत्त को छू रहा है, ठीक है, वृत्त को छू रहा है ABCD, ये मान लेते हैं M N N, ठीक है, ये आपको P, ये Q है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ठीक है। किसी भी बिंदु से जब आप वृत्त को स्पर्श करते हैं तो दोनों भुजा बराबर होती है, फिर ये भुजा बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। इस तरह से जो है आपको इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, AB + CD बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा AD + BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AB और CD कितना होगा, ये है आपको 6 + 3 और AD आपको निकालना है, AD लिख देंगे प्लस BC कितना है, ये है आपको 7.5, तो 9 − 7.5 = 1.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, AD का वैल्यू आएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सेब जो है 50 में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब जो है 50 में 10 की दर से खरीदे गए, तो उन्हें मिलाकर जो है 50 में 6 की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बोल रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पे 50 में 5 की दर से सेब खरीदा गया, मतलब कितना खरीदा गया 50 में, यहाँ पे आप इसको टोटल जो है 10 सेब खरीदा होगा 50 में, फिर यहाँ बोल रहा है 50 में 10 किस दर से जो है सेब खरीदे गए, 50 में 10 मतलब 5 सेब खरीदा गया, ठीक है, 50 में यहाँ पे 5, टोटल 100 रुपया इन्वेस्ट करके कितना 15 सेब खरीदा गया। फिर यहाँ बोल रहा है 50 में 6 की दर से बेचा गया, और यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और बेचा कितना है, 100 रुपया में जो है 12 सेब बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सेब कितना में बेचा है, ये 50/6, और 15 सेब का कितना कीमत हो जाएगा, 50/6 × 15 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये हो गया 25, ठीक है, 25 × 5 = 125, मतलब 125 इसका जो है आपको विक्रय मूल्य हो गया, 125 में बेचा है, मतलब 25% का इसको लाभ हुआ है, यहाँ 25% कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है, AD लंब है, BC जो है BC पर AB जो है 5 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर है, CD बराबर किसके होगा, CD का वैल्यू बोल रहा है
निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे बीडी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एबी कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, तो सीडी का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, मतलब 25 माइनस 9, मतलब 16, 16 का रूट मतलब 4 आपका ये हो गया, एडी हो गया 4, और एक आपका परिमेय से होता है एडी स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू सी डी, ठीक है। एडी स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 4 का स्क्वायर बराबर बी डी कितना है, 3 हो जाएगा, सी डी आपका यहाँ दिया हुआ है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 16/3, 16/3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है इतना रुपया हो जाएगा। तो ये मिश्रधन दिया हुआ है आपको, मूलधन निकालना है, तो क्या होगा, तो 20 1 8 4 0 बराबर हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस R दिया हुआ है यहाँ पे 16/100, यहाँ हो जाएगा 2 साल के लिए, बस इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 20 1 840, इसको कट कर लीजिए यहाँ पे, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा P इंटू, ये हो जाएगा आपको 25 4 29/25 हो जाएगा का स्क्वायर, 20 18 40 बराबर P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 841/625, इसलिए P बराबर आपको होगा 20 18 40 × 625/841। जब इसको कट वगैरह कीजिएगा तो ये आपको आएगा, ये आपको 240 से कट जाएगा, और गुना करने के बाद आएगा 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी 2 गाड़ियां जो है समानांतर पटरियों पर जो है एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार जो है जब एक दूसरे को मिलेगी तो वह कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगी। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 65 प्लस 55, कहने का मतलब 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों जो है समझिए मिल रहा है आपस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 120 गुना जो हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग टाइम अब निकालेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, 180 प्लस 120 जो हो जाएगा आपको 120 × 5/18, तो ये आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 300 × 18/120 × 5, ये 0 कट गया आपको, 56 से 30 6 × 12 ये आपको कट गया, 9 5 5 यहाँ कट गया, ये आपका 9 सेकेंड आपका आंसर है, 9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा,